हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का। तो IBPS क्लर्क का डे टू का पहली शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है। लाइव दोस्तों सेट था नहीं, तो मैंने पहले बात कर ली, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा रिकॉर्ड करते समय। अब मैं रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये एक डिटेल एनालिसिस मिल गया है पूरे शिफ्ट का। और दोस्तों शिफ्ट आपकी अच्छी आ रही है, जैसे कल थर्ड फोर्थ आना स्टार्ट हुई थी वैसे ही आ रही है। कल के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट जैसा पेपर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। जिससे मेरी बात हुई अभिषेक, बहुत ही अच्छा रिव्यू देता है, बढ़िया पेपर करता है, तो और आपने इसी ने IBPS RRB क्लर्क में बढ़िया सा रिव्यू दिया था, ठीक है? और एक एक क्वेश्चन बताया है जितना इसने किया है। मैथ्स में इसके जो अटेम्प्ट 29 है, रीजनिंग में 30 है, इंग्लिश में 23, टोटल 82 इसने अटेम्प्ट किए। इंग्लिश में बोला सर और हो सकता था, इसने एक्यूरेसी 100% या मेंटेन रखने के लिए पीजे को शायद छोड़ दिया। पीजे करके भी इसको कन्फ्यूजन थी, तो उसने उसको मार्क नहीं किया। बाकी वरना अटेम्प्ट यहाँ भी बोल रहा है सर 25+ पॉसिबल थे, बच्चे कर रहे थे। हाँ, इसमें थोड़ा मैं आपको बताता हूँ मैथ्स और रीजनिंग में क्या हुआ। और एक क्वेश्चन दोस्तों और चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैथ्स में अर्थमेटिक जंबल करके दे रहा है, दो अर्थमेटिक एक साथ दे दिया, फिर कुछ और आगे DI आ गई, फिर तीन अर्थमेटिक दे दिया, आठ सिंप्लीफिकेशन बीच में डाल दिए, 8-9 जितने भी आए थे, फिर अर्थमेटिक डाल दिया, तो अर्थमेटिक यहाँ जंबल आ रही है। सिमिलरली इसमें आपका एरर डिटेक्शन जो था, एरर वाले जो क्वेश्चन आपके हैं वो भी जंबल फॉर्म में आ रहे हैं। पहले RC दे दिया, उसके बाद दे दिया PG, के बाद कुछ दे दिया एरर डिटेक्शन वाले, तो ये आ रहे हैं। तो IBPS क्लर्क का जो पेपर देख के लग रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स नॉट अ क्लर्क, हल्का सा लेवल इन्होंने चेंज किया है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको रीजनिंग का बता दूँ यहाँ पे क्या है। रीजनिंग में दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, इनक्वालिटी आपकी दो तीन इनक्वालिटी आई थी, स्लॉक्स नहीं आई थी, अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन कल की तरह फिर से ट्रिकी आया था ऐसा का कहना है। और मतलब इसका कहना तो ये था कि शायद सर रॉन्ग था, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल भी था कि रॉन्ग नहीं हुआ था, वो बाद में हो गया था, तो ट्रिकी था, नहीं हो पाया होगा। बहुत से बच्चों से एक बार कंफर्म करके कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपसे ब्लड रिलेशन बना कि नहीं बना। उसके बाद डिस्टेंस रिलेशन के 3 पजल्स, इसमें भी जो है थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो रहा था, 6 लाइन वाला वो था इसमें। और पजल जो थी आपकी ठीक ठाक थी, ड्यूएबल थी, क्लर्क लेवल की यहाँ पर सही था। मंथ बेसिक एक पजल आपकी आई थी नॉन कॉन्सिक्यूटिव वाली, सर्कुलर में 8 लोग थे सारे इनसाइड फेसिंग। बॉक्स पजल आपकी आई थी 8 लोग को था बैठाना। अनसर्टेन में जो थे आपके 3 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ पर्सन में 16 आ रहे थे, ठीक है? तो ये 4 आपकी पजल सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का हो गया, जो कि अल ठीक था। यहाँ पे थोड़ा सा इसने मिसलिनियस पोर्शन में जैसे ये हो गया और ये हो गया, थोड़ा सा ट्विस्ट करने की और वहाँ पे फंसाने की कोशिश की है। रीजनिंग में अटेंड बोला सर पॉसिबल है, बच्चे 30 तक या 30+ कर सकते हैं, और उसने भी 30 किए। अब आते हैं क्वांट में, जो मेन अपना है सब्जेक्ट। क्वांट में क्या बात हुई सर? सर क्वांट में जो पेपर आपका आया ना, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ क्वांट में क्या था, 8 सिंप्लीफिकेशन था। कहाँ लिखा था मैंने? क्वांट में आपका आया था दोस्तों 8 सिंप्लीफिकेशन, कहीं लिखा था क्या मैंने? हाँ, 12-13 आपके अर्थमेटिक आए थे और 8 से 9 सिंप्लीफिकेशन आए थे, 2 DI आई थी, एक अपनी बायोग्राफ पे आई थी 6 क्वेश्चन के, एक अपनी टैबलो आई थी DI। अब क्या आए थे मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम चलें आपके बायोग्राफ पे, तो बायोग्राफ में क्या था कि यहाँ पे ना 40-40 की आपकी मेजर लाइन थी, 40-40 की आपकी ना यहाँ पे मेजर लाइन थी, ये आपकी जो होती हैं। और फिर अंदर जो थी डॉटेड लाइन, ये आपके 8-8 के गैप थे पे थी, मतलब यहाँ पे 4 लाइन बनेंगी, 1, 2, 3, 4, और ये 8, 8, 8 का गैप यहाँ रहेगा इस तरीके से, मतलब था यहाँ पे जो भी था ये 8 का आपका गैप था, ठीक है? 5 सालों के डेटा दिए थे कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड हुए हैं। और दोस्तों जो इस पर क्वेश्चन आए थे ना, वो क्वेश्चन भी मस्त थे, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें कि 2011 में 1/5 व्हीकल्स ए सोल्ड करता है, बी 30% सोल्ड करता है, तो सी जो करेगा। फिर उसके बाद डी भी कुछ दिया था कि डी एक बंदा है वो करके कर जो भी व्हीकल सोल्ड करेगा उसका कितना परसेंटेज है। सेकेंड में कुछ ऐसा था 30% बी करता है, किसी ईयर का था, 30% बी करता है, कुछ परसेंट सी करता है, तो ए कितना परसेंट करेगा, इस तरीके से था। उसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड में 2010 में दिया था कि ये एक अलग ईयर था कि 10 में 512 कार्स अगर सोल्ड हुई हैं तो 13 से 13 का कुछ था और 10 का कुछ यहाँ पे रेशियो वगैरह निकलवा रहा था वो। इस तरीके से जो इसके क्वेश्चन थे बढ़िया बढ़िया थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आई थिंक 2 थे, बाकी 4 क्वेश्चन बढ़िया खासे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, इट वॉज टेकिंग टाइम लग रहे थे वहाँ पे। दूसरा दोस्तों आपका टेबल चार्ट था, टेबल ग्राफ था, टेबल में आपका फ्लैश वॉच और बैट ये 3 आइटम थे, PQR 3 लोग थे बेचने वाले, सारे यहाँ पे जो वैल्यूज थी इनकी सब गिवन थी, सारी वैल्यूज गिवन थी, आप मिसिंग मत सोचिएगा, सारी वैल्यू गिवन थी, सारी आपके 3 डिजिट नंबर्स में थी। इस पे जो क्वेश्चन आपके आए, इस कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा हूँ कि जो P+Q का जो बैट्स है वो Q+R के वॉच से कितना परसेंटेज जाएगा था, इस तरीके के आपके 4 क्वेश्चन यहाँ बन रहे थे टेबल ग्राफ में। उसके बाद अर्थमेटिक पे आते हैं, अर्थमेटिक जैसे मैंने बोला जंबल क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज नहीं आया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं आया, 9 सिंप्लीफिकेशन थे वो लगातार आपको मिल जाएंगे करने के लिए, फिर अर्थमेटिक आपको मिलेंगे जंबल्ड, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड का दिखाई, इसका मैं PDF डलवा दूंगा तो आपको ग्रुप में,
और कल का भी जो मेमोरी बेस्ड पेपर था एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ, मेमोरी बेस्ड पेपर क्या है वो एग्जैक्ट पेपर ही था, उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डलवा दिया है, ठीक है। तो बोर्ड पे क्वेश्चन था कि इस बोर्ड की स्पीड दे रखी थी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेंगे रिस्पेक्टिवली, तो स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक बंदा है 30% काम 27 दिन में करता है, हाफ काम 30 दिन में करता है, इनके डेज आ जाएंगे तो एफिशिएंसी निकाल के दोनों 80% काम करेंगे कितना टाइम लेंगे, ऐसा क्वेश्चन ये भी था। पी अमाउंट इन्वेस्ट करता है 12% एसआई पे 8 साल के लिए, एसआई दे रखा था, पी आपका पूछा था, नहीं पी नहीं पूछा था, मतलब पी निकालना था, फिर पी बाई 2 - 480 कुछ पूछा था। उसके बाद ए और बी का रेशियो दिया था, या फिर ऐसे को दिया था कि ए जो है 14/9 टाइम्स आपका बी का है, सी जो है इन दोनों का एवरेज है, अगर ए को एक से बढ़ाएं तो जो एवरेज है उस रेशियो है ए सी का वो 4 से बन जाता, सी की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि अपना ट्रेन जो है चलती है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एक प्लेटफॉर्म 180 मीटर का कवर करती है 30 सेकंड में, तो यहाँ इसके डिस्टेंस आ जाए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया वो आ जाएगा, तो वहाँ से ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। पूछता ये है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दें 30 कर दें तो पूछा है एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो अपनी खुद की लेंथ क्रॉस करेगा, टाइम आपको दिया है 30 मीटर स्पीड दी हुई है, टाइम आ जाएगा 14 सेकंड का आंसर था। 280 क्या था, ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 280 मिक्सर का था, ये 280 लीटर का मिक्सर था ए और बी का, जिसमें से ये कहता है कि ए जो है 28.57% है, मतलब 2/7 है टोटल मिक्सर का, यहाँ से 75% मिक्सर निकालेंगे, पोर करेंगे एक वेसल में जहाँ पे ए ऑलरेडी 12 लीटर है, तो पूछा है बाद में ए का कितना परसेंटेज होगा टोटल मिक्सर में, ठीक है। और लास्ट में बस यही क्वेश्चन कर पाया, वो कर नहीं पाया, एजेस का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन और भी थे जैसे मैंने बताया 12 अरिथमेटिक, लेकिन अरिथमेटिक सारी नहीं कर पाया, अरिथमेटिक ने 6 से 7 किए थे, बस 7 किए थे आसपास, एक उसको याद नहीं था, बाकी 5 अरिथमेटिक शायद से नहीं हो पाए, 5 से 6 अरिथमेटिक, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर था, पेपर का लेवल हल्का हल्का बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो किसी भी शिफ्ट में अगर आप सरप्राइज होते हो तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट करके चलना कि हो सकता है सरप्राइज आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी पेपर दीजिए, अच्छा था, शाम को देखते हैं टोटल एनालिसिस करते हैं कैसे पेपर आपका आया था ओवरऑल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना बताइए कमेंट्स में आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हैं, कैसा रहा आप लोग के लिए पेपर।